हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत भाई आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। अब भाई इसे आप 5 डोर नहीं बोल सकते हो, अब भाई इसका नाम भाई महिंद्रा ने रख दिया है, महिंद्रा थार रॉक्स। रॉक्स भाई इसका नया नाम रखा गया है महिंद्रा के द्वारा। नया नामांकन जो हुआ है वो किस लिए हुआ है भाई, क्यों हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो भाई महिंद्रा थार की जो रॉक्स है ना, उसकी भाई टेलर अभी आ चुकी है, वो आपने देखा होगा भाई। महिंद्रा के ऑफिशियल्स ने उसे अपने ऑफिशियल पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे और यूट्यूब वगैरह पे डाला है। तो भाई महिंद्रा इससे आपको यही बताना चाह रही है कि गाड़ी भाई अब जल्दी लॉन्च होने वाली है। वैसे तो भाई इसकी एक्सपेक्टेड जो लॉन्चिंग डेट थी ना, वो है भाई अगस्त 15 अगस्त को भाई गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन भाई अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि भाई जब XUV 3XO लॉन्च होने वाली थी ना, उस टाइम भी भाई महिंद्रा ने ऐसे ही करके मतलब 3-4 टेलर डाले, उसके बाद भाई गाड़ी को फाइनली लॉन्च किया। तो अभी देखते हैं भाई कितने दिनों बाद महिंद्रा थार 5 डोर या सॉरी महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च होती है कि नहीं। मतलब 15 अगस्त को भाई इसकी लॉन्चिंग डेट है। अब देखते हैं ये आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि भाई गाड़ी मतलब 2 साल से भाई गाड़ी की टेस्टिंग ही जा रही है। आपने बहुत जगह देखा होगा भाई कि थार की टेस्टिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब भाई महिंद्रा वालों ने इसका नया नाम भी रख दिया, महिंद्रा थार रॉक्स। नया नाम रखने के पीछे का ये कारण है भाई, जैसे कि महिंद्रा की XUV 3XO आ रही थी ना, तो उसका भाई महिंद्रा ने नाम चेंज करके XUV 3XO रखा, क्योंकि भाई एक नए नया सा नाम और एक नया सा प्रोडक्ट ना कहीं ना कहीं आपको मतलब वो करता है, मतलब अपने ओर खींचता है कि भाई आप शोरूम में आके इस गाड़ी को देखो भाई, इसमें कुछ तो नया किया गया, क्योंकि इसका नाम ही नया है। अगर भाई महिंद्रा थार 5 डोर रखते या महिंद्रा थार 4x4 जो भी आ रही थी अपनी पहली वो वाली रखते, तो कहीं ना कहीं भाई इसमें जो जो चेंजेस हुए ना वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, इसलिए भाई उसका एक नया नाम भी जरूरी था। तो महिंद्रा थार रॉक्स भाई महिंद्रा वालों ने इसका नया नाम रख दिया। इनकी जो टीम है ना भाई, वो बहुत रिसर्च करने के बाद ही कोई काम करती है। महिंद्रा मतलब आज के डेट में जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, कि उसके ऊपर भाई वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, उसको पता है भाई कि इंडियन बायर्स को क्या चाहिए, इंडियन मार्केट में क्या बिकेगा। तो चलिए गाड़ी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें भाई अभी टेलर के हिसाब से इसमें क्या क्या दिया गया। वैसे तो भाई इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो और भी बना चुका हूँ, उसमें भी भाई आपने देखा होगा कि भाई इसमें गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, क्या क्या इंटीरियर होने वाला है, इसका पूरा मतलब ओवरव्यू एक लुक क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अभी भाई इसके ट्रेलर के हिसाब से भाई बताएंगे कि जो जो बातें पहले हो रही थी भाई वो सही है कि नहीं, इसमें क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले बात अगर भाई इसके इंजन की आती है ना, क्योंकि इंजन भाई मतलब गाड़ी का दिल होता है, तो दिल भाई साफ रहेगा तभी गाड़ी अच्छी चल पाएगी। तो इंजन की अगर बात किया ना, तो इसमें भाई 2 लीटर का M-Stallion इंजन आने वाला है, जो कि भाई 152 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिलेगा, जो 2 लीटर वाला इंजन होने वाला है। इसमें भाई 2 इंजन आने वाला है, एक तो अपना 2 लीटर का हो गया और एक भाई 2.2 लीटर का आने वाला है, मतलब 2200 cc का इंजन होने वाला है। एमहॉक टेक्नोलॉजी पे भाई बेस रहेगा और 131 PS की भाई वो पावर निकाल के देगा और 300 Nm की आपको इसमें टॉर्क मिलने वाली है। तो भाई 2 इंजन वेरिएंट आने वाला है, तो दोनों की प्राइसिंग भी अलग होगी। मतलब ऐसे तो थार का पहले वाला जो इंजन है वो भी भाई कम नहीं है, मतलब बहुत ही दमदार इंजन है। 4x4, 4x2 या दोनों ले लो, कोई भी भाई बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी भाई महिंद्रा वालों ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि भाई नई गाड़ी आ रही है, थार रॉक्स आ रही है, तो कुछ ना कुछ चेंज करना बनता है। अब बताते हैं भाई कि इसमें फीचर्स वगैरह क्या मिल जाएंगे। तो जैसा कि भाई आप इस ट्रेलर में देख सकते हैं, फ्रंट के साइड आपको भाई इसमें LED DRLs के सेटअप दिख रहे हैं। जैसा कि भाई मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि भाई इसमें LED DRLs आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर लाइट्स की बात की जाए, तो पहले जो थार की लाइट आती थी ना भाई, बहुत ही बकवास थी, मतलब वो हेलोजन वाली लाइट भाई कोई रखता ही नहीं था। हर बंदा भाई थार लेने के बाद सबसे पहले उसकी लाइट चेंज करवाता था। अभी जो भाई इसमें आपको लाइट्स का सेटअप मिलने वाले हैं, LED DRL तो आपको मिलेंगे ही, जिससे भाई आजकल मतलब नई गाड़ी जितनी भी आ रही है ना, सब में भाई आपको DRL का फीचर मिलता ही मिलता है, सेटअप मिलता ही मिलता है, क्योंकि गाड़ी भाई अच्छी लगती है, थोड़ी सी सुंदर बन जाती है। ऊपर से थार अपनी ब्लैक कलर में आती है, उस पर भाई जब DRL जलेगी ना, तो वो और भी अच्छी लगेगी। आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन तो आपने बहुत देखा होगा भाई कि इसमें DRL वगैरह सब लोग इंस्टॉल करवा के लगा रहे, लेकिन अभी भाई महिंद्रा वाले खुद लगा के दे रहे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो चुके हैं करोल बाग से, कि भाई यहाँ तो भाई गाड़ी मैं जो लॉन्च करने वाला रहता हूँ उसके पहले भाई इन लोग उसमें मॉडिफिकेशन करके वो वाला फीचर्स पहले ही डाल देते हैं। तो LED प्रोजेक्टर लाइट भी भाई आपको इसमें मिलने वाला है, जिसके कारण भाई इसकी लाइट की थ्रो एकदम तगड़ी हो जाएगी। रात को आपको ऑफ रोडिंग में ना ही दिक्कत होगी, ना ही भाई आपको रोड पे दिक्कत होने वाली है। फॉग लाइट की अगर बात की जाए, तो वो भी भाई LED ही मिलने वाला है, मतलब LED 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 मतलब चारों तरफ भाई LED ही दिखेगी। अगर इसके टेल लाइट की बात किया ना, तो इसमें भी भाई आपको LED टेल लाइट ही मिलने वाला है। तो भाई महिंद्रा थोड़ी सी अपनी मतलब जो थार आ रही है ना, थार रॉक्स आ रही है, उसे थोड़ी सी भाई फ्यूचरिस्टिक बना रहा है, मतलब जीप की रैंगलर के आसपास उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अच्छा है भाई, क्योंकि ये भाई अपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी की भाई पहली ऐसे 5 डोर होने वाली है, थार मतलब थार रॉक्स होने वाली है। वैसे तो जीप की रैंगलर भाई आती है, लेकिन दोनों के प्राइस रेंज में भाई आसमान जमीन का अंतर है। अब देखते हैं भाई इंडियन कंपनी है तो क्या रेट में आती है। वैसे अगर इसकी प्राइस की बात किया ना, तो भाई मेरे हिसाब से इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है ना, वो 17-18 लाख से कम का नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई जो जो चीज़ ये लोग ऐड करके दे रहे हैं ना, वो तो भाई फ्री में तो देंगे नहीं आपको, उसके तो पैसे लेंगे ही, तो वो सब भाई आपको सब 17-18 लाख का आपको इसका बेस वेरिएंट मिलने वाला है। जबकि अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात किया ना, तो भाई वो 25 से कम नहीं जाने वाला, मेरा जो एक्सपेक्टेड है। अब आगे देखते हैं भाई क्या होता है, वो तो भाई 15 अगस्त को आपको पता लग ही जाएगा।
बाकी इसमें भाई आगे के साइड आपको सेंसर्स वगैरह मिलते हैं, और सेफ्टी वगैरह भी भाई इस बार थार में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि थार भाई बहुत से लोगों को देखा होगा कि छपरे लोग ज्यादा आजकल यूज करने लगे थे थार को, इसलिए भाई थार की प्राइस भी बढ़ा दी गई है और इसमें सेफ्टी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह भाई थार से काफी ज्यादा हो रहे थे। तो इसमें भाई अब आपको एडास मिलने वाला है, एडास के साथ साथ आपको इसमें भाई 360 डिग्री कैमरा का भी फीचर मिलने वाला है। तो एडास लगने के बाद और 360 लगने के बाद तो ये भाई XUV 700 से भी कम्पिटिट कर सकती है, मतलब वो एक लग्जरी सेगमेंट में चल जाती है और ये भाई आपकी एक ऑफ रोडिंग सेगमेंट में गाड़ी आ जाती है। मतलब बाकी भाई पीछे के साइड भी भाई आपको इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए, 360 डिग्री कैमरा हो गया, एडास हो गया, ये चार फीचर्स जहाँ ऐड हो जाते हैं ना वहाँ पे भाई गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है। सेफ्टी की बात हो रही है तो भाई थार की जो पहले आती थी ना, मतलब 3 डोर थार थी ना, उसमें भाई आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार थी, लेकिन अभी भाई जब इतने सारा फीचर ऐड हो रहा है ना तो भाई वो 5 स्टार से कम नहीं लाएगी, तो सेफ्टी के ऊपर भाई इसमें सोचने का है ही नहीं। महिंद्रा अपने देश की कंपनी है तो सेफ्टी पे तो वो ध्यान देगी। बाकी इसके एलॉयज वगैरह की बात किया तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, पहले भी मैंने आपको इसके एलॉयज वगैरह दिखाई देगी भाई, इसमें आपको कुछ ऐसा डायमंड कट एलॉयज दिखने वाला है। अभी भी भाई आपको इस ट्रेलर से तो पता लग ही गया होगा कि भाई इसमें आपको ये वाला एलॉयज मिलने वाला है। बाकी एक जो मेन फीचर है वो भाई थार में जो ऐड किया गया है वो है भाई सनरूफ का। तो इसमें भाई आपको 2 टाइप का सनरूफ मिलेगा, मेरे हिसाब से इसके जो मिड वेरियंट होंगे ना उसमें भाई आपको प्लेन सनरूफ मिलेगा, जो कि आ रही है भाई XUV 300 की, मतलब मिड वाले वेरियंट्स में। लेकिन अगर टॉप एंड वेरियंट में जाओगे तो पैनारोमिक मिलेगा, तो पैनारोमिक और प्लेन दोनों सनरूफ भाई आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये सब भाई फीचर ऐड हो रहे, इतना सारा भाई तामझाम लगा के दे रहे, तो प्राइस तो बढ़ने वाली ही है। अगर इसके इंटीरियर की बात किया ना, इंटीरियर के बारे में भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि XUV 300 वाला भाई आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम उठा के चिपका दिया गया है, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाला है, डिजिटल आपको MID दी गई है जो आपको XUV 700 में आ रही है। मतलब महिंद्रा इस बार क्या कर रही है ना, अपनी थार जो मतलब 5 डोर नहीं, थार रॉक्स में वो क्या कर रही भाई कि अलग अलग अपने जो सेगमेंट्स की कार से ना उसके कुछ कुछ पार्ट्स इसमें डाल दिए और उसे एक नया मतलब नाम दे रही है, थार रॉक्स बना के उसे मार्केट में बेचने वाली है। इंटीरियर में भाई आपको पीछे के साइड भी आपको इसमें अब रियर एसी वेंट मिलने वाला है, पीछे के साइड आपको रियर एसी वेंट मिलेगा, आगे के साइड भाई एसी वगैरह वो सब तो चलता ही रहता है। बाकी इसकी जो भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाली है उसमें भाई आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन वगैरह सब कुछ सपोर्ट होने वाला है, और वायरलेस चार्जर का भी फीचर भाई इस बार महिंद्रा वाले ऐड करके देंगे, क्योंकि XUV 700 में दे रहे हैं तो भाई इसमें भी देने वाले हैं। स्कॉर्पियन में भी कुछ कुछ अपडेट आया भाई, XUV 700 में भी उसके प्राइसेस वगैरह थोड़े कम किए गए, क्योंकि भाई गाड़ी 2 साल से 3 लाख यूनिट बेच चुकी है, फिर भी भाई महिंद्रा सोच रहा है जो स्टॉक में बची है उसे निकाल दो। बाकी भाई थार की जो 3 डोर होने वाली है ना उस पर भाई आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलने वाला है, क्योंकि नई वाली गाड़ी आएगी तो पुराना वाला जो स्टॉक है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा डीलर को, वो भाई अपने घर पे जाके थोड़ी रखने वाले या डिसमेंटल थोड़ी करने वाले हैं। तो आपको भाई थार की जो 3 डोर है उस पर भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन भाई वो मेरे हिसाब से कौन ही लेगा, लेकिन अगर इसकी प्राइस के ऊपर सब डिपेंड करता है भाई, कि अगर इसके प्राइस भाई 20 से ऊपर चली गई तो भाई थोड़ी सी गाड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। थार के जो फैन बेस है ना, मतलब थार को जो पसंद कर रहे हैं, जो भाई पैसे लेके अकाउंट में बैठे हुए हैं कि थार की मतलब बुकिंग खुलने दो, बुकिंग तो भाई अनऑफिशियली हो ही रही है, लेकिन फिर भी मतलब ऑफिशियल बुकिंग खुलने दो, उसके बाद तुरंत जाके बुक कर देंगे, तो वो भाई थार की 5 डोर मतलब 20 से ऊपर भी जाएगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ले लेंगे। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी जो लोग है, मतलब जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई इसके मतलब प्राइस के ऊपर जाएंगे कि भाई इतने में अगर 3 डोर आ रही है, इतने में 5 डोर आ रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। बाकी सुजुकी की जिमनी भाई कुछ दिनों में आई थिंक वो डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, क्योंकि गाड़ी पे भाई इतना डिस्काउंट चल रहा है ना, 12 लाख की, 12 नहीं 12.5 लाख की गाड़ी आपको भाई 10 लाख में दे रहे हैं भाई सुजुकी वाले, तो कहीं ना कहीं भाई स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। वैसे ही भाई थार की जो 3 डोर है ना उसकी भी स्टॉक क्लियरेंस के टाइम उसमें भी भाई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जो लोग भाई 5 डोर नहीं ले पाते वो भाई 3 डोर अपना ले सकते हो, और गाड़ी भाई काफी अच्छी आने वाली है, थार की 5 डोर जो आ रही है, मतलब थार की जो रॉक्स आ रही है। तो कैसी लगी भाई आपको ये वीडियो? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।